बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इस समय बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए हैं। उनकी बैक टू बैक दो फिल्में पठान और अब जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन दोनों फिल्मों की वजह से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान ने राज्य सरकार को लिखित में शिकायत दी थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस सिक्योरिटी कर दी है। शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई वाई प्लस सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। दरअसल पुलिस की खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहरुख खान को जान का खतरा है। हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान के हिट होने के बाद शाहरुख खान अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के निशाने पर आ गए हैं। इससे पहले सिर्फ 2 पुलिस वाले ही उनकी सिक्योरिटी में थे। वही किंग खान को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी का खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे। इसका भुगतान एक्टर को महाराष्ट्र सरकार को करना होगा। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद वाई प्लस सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। वहीं शाहरुख खान का मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ टकराव रहा है और उन्हें खतरों का सामना करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में फिल्म मेयर संजय गुप्ता ने जवान की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ की थी। साथ ही गैंगस्टरों से खतरों सहित चुनौतियों पर काबू पाने के दृढ़ संकल्प के लिए खान की तारीफों के पुल बांधे थे। इसी के बाद उनको ये धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आने लगे। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।